एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी। बेसिकली आई एम लॉन्चिंग अ सीरीज़ इन विच आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन चूज़ योर क्लास 10th सब्जेक्ट। ओके, तो इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के वीडियो में तो इंट्रोडक्शन दूंगी एंड आगे आने वाले वीडियोज़ में आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आप लोग को कैसे करना चाहिए, कैसे यू नो अपना माइंडसेट फ्रेम करना चाहिए कुछ भी बनने के लिए। मैं आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन भी दूंगी एंड उसके बाद मैं आप लोग को दो तीन लोगों की स्टोरीज़ भी बताऊँगी। ओके, तो इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ अबाउट 10 to 12 वीडियोज़ जो कि अबाउट इस दिसंबर पूरा चलेगी ये सीरीज़। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने सब फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज़ शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले कि हाउ यू कैन चूज़ अ सब्जेक्ट करेक्टली। मेरा मानना है कि यूट्यूब पर 5-7 वीडियोज़ देख के या फिर कोई पोस्ट पढ़ के किसी की स्टोरी सुन के आप लोगों का जो डिसीजन है कोई भी सब्जेक्ट लेने का वो ऑल्टर नहीं हो सकता और चेंज नहीं हो सकता। बट इट्स जस्ट दैट मैं आप लोग को एक क्लियर पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, इंट्रोडक्शन दिलवाना चाहती हूँ अलग अलग सब्जेक्ट से ताकि आप लोग अपना जो डिसीजन है दैट इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ वो डिसीजन गलत ना लें। ठीक है, इसीलिए आई एम लॉन्चिंग दिस सीरीज। तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस सीरीज विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो सके। ओके, तो आज का वीडियो इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1 पॉइंट इज स्टार्ट थिंकिंग नाउ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अभी तो बोर्ड्स के अंदर सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे एंड जो सब्जेक्ट डिसाइड करने की चीज़ है वो हम लोग बोर्ड्स के बाद यू नो सोचना स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज़ द एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। आप लोगों को अभी से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचना इज़ अ प्रोसेस जो कि आप लोग कभी भी कर सकते हैं, राइट? जब आप लोग फ्री हो या फिर जब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को अपने दिमाग पे रख के अपनी पढ़ाई को अफेक्ट करना है। बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इट राइट नाउ। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हाँ भाई, 3-4 महीने बाद हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज स्टार्ट होगा जिससे हमारा पूरा का पूरा करियर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यू नो आप लोग को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हाँ भाई, वी नीड टू चूज़ द सब्जेक्ट। तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल फॉरगेट करके चलनी है कि बोर्ड्स के चक्कर में आप लोग को बिल्कुल ही ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि हम लोग को सब्जेक्ट भी चूज़ करना है। आप लोग को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि यू नीड टू चूज़ द सब्जेक्ट एंड इस चीज़ की वजह से आई थिंक आप लोग का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। ओके, बिकॉज एट दी एंड जब आप लोग सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे तो वो एक दिन या फिर 2 दिन का डिसीजन नहीं होगा। आप लोग के माइंड में रहेगा कि हाँ भाई, मैंने दिसंबर से ही सोचना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर 2 इज़ स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। आप लोग के आसपास चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी आप लोगों को खुद से ज़्यादा नहीं जानता है। देखो, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट अ पर्सन कि आप लोग को यूँ चुटकियों में इन्फ्लुएंस कर सकूं, बट जो चीज़ सही है वो सही है। आप लोग खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो अलग अलग लोगों के पास जाना बंद कर दो, अपने टीचर्स के पास जाना बंद कर दो, अपने पेरेंट्स के पास जाना बंद कर दो, फ्रेंड्स के पास जाना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग आप लोग को इन्फ्लुएंस करेंगे कुछ भी करने के लिए। तो ये चीज़ें तो प्लीज़ बंद कर देना कि मैं इसके पास, इस टीचर के पास जा रहा हूँ या फिर इस टीचर के पास जा रही हूँ पूछने कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या करूँ। आप लोग खुद को सबसे बेस्ट जानते हो, तो जो आप लोग को खुद को सही लगे ना वही करना। किसी भी सोसाइटी से या फिर पेरेंटल प्रेशर से, पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस मत होना। पॉइंट नंबर 3 इज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट मनी। अच्छा, मैंने 3-4 लोगों से बात करी, आज ही मैंने 3-4 लोगों से बात करी, 3-4 बच्चों से बात करी एंड उन लोग को भी कन्फ्यूजन था सब्जेक्ट डिसाइड करने में एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फिर दे टोल्ड मी कि मैम, हम लोग तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम लोग साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं बिकॉज इंजीनियर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है। हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड बाई लिसनिंग दिस स्टेटमेंट। देखो बेटा, दिस इज़ 21st century। आप लोग 2019 में जी रहे हो। ये आप लोग, ये एक ऐसा फेज़ है ना बेसिकली जहाँ पर आप लोगों को पैसों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को अपने पैशन के बारे में सोचना है, आप लोग को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। जो चीज़ आप लोग को अच्छी लगती है ना, आप लोग को वो करनी है। ठीक है, रादर देन थिंकिंग अबाउट मनी, आप लोग को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। चाहे आप लोग का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो, यू कैन अर्न मनी बाय दैट। ठीक है, अभी आप लोग की एज बहुत ज़्यादा छोटी है पैसों के बारे में सोचने के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग पैसों के बारे में सोच के डिसीजन ना लें। बी इट
कॉलेज के पैसे कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि अगर मैं साइंस ले लूँ तो महंगा पड़ेगा या फिर एडुकेशन महंगी पड़ेगी, या फिर बीएड सैलरी के पैसे कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ तो मैं अच्छा कमा पाऊँगा या फिर कमा पाऊँगी, अभी आप लोग को पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचना है. ओके, पॉइंट नंबर फोर इज़ पॉइंट नंबर फोर मैंने बेसिकली वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ प्लीज़ डोंट रिलाई योर होल करियर ऑन वन वीडियो और ऑन वन पोस्ट और ऑन वन स्टोरी. ये मैं सीरीज़ बना रही हूँ, आई नो इट्स जस्ट टू हेल्प यू गाइस. एक वीडियो के बेसिस पे, एक किसी पर्सन की स्टोरी के बेसिस पे, एक किसी यू नो इंसान की स्टोरी के बेसिस पे, या फिर एक किसी इंस्टाग्राम पोस्ट की स्टोरी के बेसिस पे अपना जो सब्जेक्ट चूज़ करने की चीज़ है ना, उसको अफेक्ट मत होने देना. मैं ये जो वीडियोस बनाऊंगी ये बिल्कुल न्यूट्रल होके बनाऊंगी. मैं ये जो वीडियोस है इसके अंदर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी हर सब्जेक्ट के बारे में, हर स्ट्रीम के बारे में, ताकि आप लोग के पास एक क्लियर पिक्चर रहे माइंड में. मैं ट्राई करूंगी कि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूं वो बायस्ड ना हो एक सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, ठीक है. इस तरीके से मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग को सिर्फ एक क्लियर पिक्चर दिखा दूं माइंड में इस सीरीज के द्वारा, ताकि आप लोग ये जो डिसीजन है ये सिर्फ और सिर्फ खुद से ले सकें, ठीक है. किसी भी पोस्ट, वीडियो या फिर किसी की भी स्टोरी सुन के नहीं लें, ओके. क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्या नेबर में दूसरे बच्चे रह रहे होते हैं या फिर स्कूल में सीनियर्स होते हैं दूसरे, तो उन लोगों ने कोई सब्जेक्ट लिया होता है तो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी वेरी इजीली कि ये जो मेरा नेबर था इसने ये सब्जेक्ट लिया था एंड उसकी स्टोरी सुन के आप लोग भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं. तो दिस इज़ अ एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग. नाउ पॉइंट नंबर फाइव इज़ इट्स ओके अगर अभी तक आप लोग के माइंड में बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि आप लोग को क्या लेना है. बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बचपन से ही डिसाइडेड होता है, राइट, कि उन लोग को क्या लेना है, क्या करना है, क्या बनना है, ठीक है. एंड 9th 10th में आने के बाद वो उस चीज़ से इंटरेस्ट खोने लगते हैं, ठीक है. इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है. सेकेंडली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है स्टार्टिंग से एंड अभी तक कुछ नहीं सोचा है, ठीक है. ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, आई नो, एंड दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके, ठीक है. तभी मैंने ये वीडियो अभी दिसंबर में अपलोड किया है, दिसंबर के स्टार्टिंग में अपलोड किया है, बिकॉज दिस इज़ अ राइट टाइम टू थिंक, ठीक है. तो अभी तक कुछ नहीं सोचा है या फिर अभी तक आप लोग के प्लान में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर इंट्रोडक्टरी वीडियो. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, बिकॉज आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज़. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.